बॉलीवुड के स्टार्स किस बात पर अड़ जाएं और किस बात का प्रेस्टीज इशू बना ले कोई नहीं कह सकता। ये नखरे और तेवर शुरुआत से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के लिए सिरदर्द रहे हैं। ये किस्सा काफी पुराना है। उस वक्त की सबसे महंगी और महत्वाकांक्षी फिल्म मुगले आजम के वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मुगले आजम रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन दिलीप कुमार और मधुबाला को एक बात पर सख्त एतराज था। वो था कि फिल्म के टाइटल में सबसे पहले उनका नाम आए, न कि पृथ्वीराज कपूर का। इस बात के लिए फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ कतई राजी नहीं थे। उन्होंने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया और इसी वजह से फिल्म की रिलीज में देरी हो रही थी। जब ये बात पृथ्वीराज कपूर को पता चली तो उन्होंने आसिफ से कहा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, दिलीप कुमार और मधुबाला का नाम पहले आने दो। इस पर के आसिफ ने पृथ्वीराज कपूर से कहा, नहीं, कतई नहीं, फिल्म के टाइटल्स में सबसे पहले आपका ही नाम जाएगा। दिलीप और मधुबाला को ये समझना होगा, मैं मुगले आजम बना रहा हूँ, सलीम अनारकली नहीं। आसिफ आखिर तक अपनी इस बात पर अड़े रहे और उन्होंने फिल्म के टाइटल्स में सबसे पहले पृथ्वीराज कपूर का ही नाम डाला। इस बात को लेकर दिलीप कुमार और आसिफ में अंत तक अनबन बनी रही।